फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी। आप सबका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ ऑरेंज जेली। आजकल बच्चों का फेवरेट डेजर्ट बन चुका है जेली। मार्केट में डिफरेंट टाइप की जेली आपको मिलेंगी और वो कैसे बनती है क्या बनती है हमको पता नहीं, बट बच्चों को वो पसंद होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी आसानी से जेली बच्चों के लिए घर में ही कैसे बना जाता है और घर में अवेलेबल फ्रूट से ही कैसे बना जाता है हेल्दी एंड टेस्टी जेली। तो आइए करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर मैंने 2 फ्रेश ऑरेंजेस लिए हैं जो कि थोड़े से बड़े साइज़ के हैं। ऑरेंजेस तो अभी सीजन में इजीली अवेलेबल होते हैं। आप देख सकते हैं ऑरेंज का कलर कितना फ्रेश है, एकदम ऑरेंजी कलर है और ये एकदम पके हुए ऑरेंजेस है। और यहाँ पे मैंने एक बाउल शुगर लिया है। शुगर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से लिखते हैं। यहाँ पे मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है जो कि आप कस्टर्ड पुडिंग के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने वैनिला फ्लेवर लिया है और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर लिया है ताकि जब हम लोग इसका जूस बनाएंगे ऑरेंजेस का तो उसका कलर थोड़ा सा फेंट हो जाता है, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा कलर यूज़ करेंगे। तब हम इन ऑरेंजेस को बील कर लेते हैं और उसका जूसी जो अंदर का पल्प होता है वो निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑरेंजेस को पील कर लिया और उसका पल्प भी निकाल लिया है। पहले ऊपर का छिलका निकाल के बीच के भी मैंने लेयर्स उसको निकाल के अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब मैं इसका जूस निकालूंगी। आप चाहे तो इसे मिक्सर जार में जूस निकाल सकते हैं या तो जूसर का यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे अभी मिक्सर जार में ट्रांसफ़र करूँगी। मैं इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूँगी क्योंकि मैं इसे शुगर के साथ ग्राइंड करने वाली हूँ, उसका जूस बनाने वाली हूँ। तो इसको पानी ऑटोमेटिकली शुगर एंड जूस इसका ओरिजिनल जूस निकल के पानी तैयार हो जाएगा। तब मैं इसमें एक बाउल शुगर ऐड करती हूँ। शुगर की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग ले, आपको जितनी टेस्ट चाहिए जितना मीठा चाहिए उसके अकॉर्डिंग ले। यहाँ पे मैंने जूस बना लिया है। अब हम लोग इसे स्ट्रेन कर लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा पार्टिकल्स है। मैं इसमें बड़े छन्नी में लेके इसको थोड़ा सा स्ट्रेन करूँगी क्योंकि जेली के लिए हम लोगों को फाइन जूस चाहिए, तो ये जेली हमारी ट्रांसपेरेंट बनेगी। इसे अच्छे से चम्मच की मदद से हम लोग इसे स्ट्रेन कर लेते हैं। जितना भी जूस निकल सके उतना हम लोग जूस निकालेंगे। मैंने यहाँ पे जूस निकाल लिया है। तो अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देते हैं। कस्टर्ड पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी करके आप डालें। मैंने यहाँ पे वैनिला फ्लेवर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारे मिक्सर में लम्स ना हो। अगर लम्स रहेंगे मिक्सर में तो जेली अच्छे से नहीं बनेगी। अब मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूँगी ताकि जो हमारा ऑरेंज कलर लॉस्ट हुआ था तो उसमें थोड़ा सा हम लोग ऑरेंज कलर डालेंगे क्योंकि बच्चों को जो मार्केट में ऑरेंज कलर के मिलते हैं एकदम ऑरेंज कैंडी ऑरेंज जेली तो वही पसंद होती है। हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा कलर अच्छे से मिक्स हो जाए। हम लोग गैस पे इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। गैस फ्लेम मैं स्लो पे ही रखूँगी और इसे हम लोग को कंटिन्यू चलाते रहना है क्योंकि कस्टर्ड पाउडर नीचे बैठ जाता है, ये जल्दी से जम जाता है। हमें इसे 1 मिनट के लिए और थिक होने देना है। जैसे जैसे ये थोड़ा गर्म होते जाएगा वैसे वैसे इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस बढ़ चुकी है 1 मिनट के अंदर। ये जैसे कस्टर्ड रेडी हो गया है हम लोग इसे 1 मिनट के लिए और फिर से पकने देते हैं और ठंडा होने देते हैं। गैस बंद कर देते हैं। आप देख सकते हैं कस्टर्ड हमारा यहाँ पे रेडी है। ये ठंडा हो गया और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा है। हम लोग इसे किसी भी मोल्ड में आप इसे मोल्ड कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ घर का ही आइस ट्रे लिया है। आप चाहे तो कौन सा भी मोल्ड ले सकते हैं, बच्चों को जो शेप पसंद है उसमें आप मोल्ड कर सकते हैं। अब मैं इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र करूँगी। देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से प्रॉपरली सेट किया है मोल्ड के अंदर और थोड़ा सा आपको प्रेस करके रखना है इसको। अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने देंगे ताकि हमारी जेली अच्छे से जम जाए और ट्रांसपेरेंट हो जाए। ठंडे होने के बाद ये जेली बहुत ही अच्छे से ट्रांसपेरेंट एंड सॉफ्ट हो जाती है। आप देख सकते हैं 1 घंटे बाद मैंने इसे निकाल लिया है और इसके एजेस जो एक्स्ट्रा एजेस थी मैंने कट कर ली है। तो ये जेली हमारी रेडी है निकालने के लिए। ऑलमोस्ट ऊपर अपने आप निकल गई है। आप देख सकते हैं मैं आपको निकाल के दिखा सकती हूँ कितनी शाइनी एंड ट्रांसपेरेंट जेली हमारी रेडी हो चुकी है। तो आप भी ये फटाफट बनने वाली जेली रेसिपी घर में बनाएं और बच्चों को इसे खिलाएं और मुझे बताएं आपको कैसे लगी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर करना ना भूले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।